दुर्लभ कश्यप एक 20 साल का लड़का कैसे जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुर्लभ कश्यप का हत्यारा अब कहां और किस हालात में है। दरअसल दुर्लभ कश्यप की जिसने हत्या की थी उसका नाम था शाहनवाज। आपको बता दें शाहनवाज उज्जैन जिले के हेलावाड़ी इलाके में रहता था। ये वही इलाका था जहाँ दुर्लभ कश्यप की मौत हुई थी। आपको बता दें हेलावाड़ी की एक अलग पहचान है उज्जैन में। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं और आज भी हेलावाड़ी उज्जैन शहर के अविकसित इलाकों में आता है। इसके विपरीत दुर्लभ कश्यप अपना हुलिया बिल्कुल एक कट्टर हिंदू की तरह रखता था। माथे पर लाल टीका, आंखों में काला काजल, गले में काला गमछा, यही उसकी पहचान थी। लेकिन शाहनवाज की दुर्लभ कश्यप से कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी। दरअसल दुर्लभ कश्यप जब उस रात चाय वाले के पास चाय पीने के लिए आया था तो उसी दौरान दुर्लभ कश्यप के 5 दोस्त भी वहाँ आए हुए थे। तभी पीछे से शाहनवाज पीछे से दुर्लभ कश्यप पर टॉन्ट कसना चालू कर देता है। दुर्लभ कश्यप बोल पड़ता है, मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप, बोल तुझे मुझसे क्या काम है। इसके बाद उनमें कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिसके बाद दुर्लभ अपनी जेब से कट्टा निकाल कर शाहनवाज को गोली मार देता है और शाहनवाज वहीं घायल हो जाता है। इसके बाद शाहनवाज के साथ ही दुर्लभ और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। दुर्लभ के दोस्तों वहां से तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन शाहनवाज और उसके साथी मिलकर उस पर दुर्लभ पर चाकू से 34 वार करके उसे मार डालते हैं और इस तरह बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दुर्लभ का अंत हो जाता है।